जॉन इसे किधर रखोगे? इसे मैं अपने पेट में डालूंगा। अरे होते हुए यहाँ से हमारा मुर्गा लेके जा रहा है। जॉन डन के होते हुए तुम यहाँ चोरी करोगे? जॉन डन के होते चाची को कौन पहचानेगा? बेटे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जॉन भैया आज मौसम भी बड़ा प्यारा, बादल बने हुए हैं हर तरफ। मौसम को देख के लग रहा है कि आज हम भी कोई अच्छी चीज खाएंगे। क्या खाना चाह रहे हो? अभी तो ये मैंने लक्कर पकड़ी है, इसे तो मैं खा नहीं सकता। जॉन भैया खा लो इसे ही। ये तो नहीं खाया जाएगा। ये बच्चा कौन आया? आपके लिए एक गिफ्ट लाया। कौन सा गिफ्ट है बताओ मुझे भी। ये क्या कर रहे हो? जॉन तुम्हारे लिए बच्चा गिफ्ट लेकर आया। यार ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही। चेयर के लिए गिफ्ट, ये कहाँ से आ गया? जॉन के फैन बन रहे हैं भाई। कौन सा गिफ्ट है जल्दी दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जॉन के लिए एक पिजन आया जी। जॉन इसके ऊपर बैठ के उड़ेगा। दिखाओ जरा दिखाओ जरा जी। तो दोस्तों ये चेक करें माशाल्लाह से। ये पकड़ा आपने? किधर से पकड़ा? घर से, बाहर से, किधर से? दोस्तों ये बच्चा जो है ना एक कबूतर पकड़ के लेके आया, बड़ा ही प्यारा है और ये ब्राउन कलर में है, नीचे वाइट कलर है। और ये जनाब जॉन को गिफ्ट मिला है। जॉन इसे किधर रखोगे? इसे मैं अपने पेट में डालूंगा। ये मिनी जू में रखना है, पेट में डालने वाली चीज नहीं है। अरे जान सी भी चीज लेते हो, मिनी जू में डाल देते हो, कभी जॉन डन के पेट में भी डालो। तुम्हारा पेट वैसे ही काट देना हमने। छोटे की तरफ करो। अरे ये तो बहुत बड़ा कबूतर बाज निकला, छोटे से बच्चे ने इतना खूबसूरत कबूतर पकड़ लिया। ये बच्चा आपसे कुछ बोलना चाह रहा है जी, बोलो जल्दी से। मुझे नाम देंगे? क्या नाम चाहिए तुझे? जॉन डन के देख लिया, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। जॉन डन तो किस्मत वालों को मिलता है। अरे इस फैन को मेरे पास ला जरा, लोगों को बताओ कहाँ से आया तुम मेरे दोस्त। ये साहिवाल से मुझे मिलने आया है और ये देखो कबूतर भी गिफ्ट कर दिया। अब मैं इसे मिनी जू में डालूंगा, इसके बच्चे निकालूंगा और इसको मैं बताऊंगा, देखो मिनी जू में ये कबूतर कितना खुश नजर आ रहा है। जी तो दोस्तों हमारे जॉन भैया को जो है ना बड़ी दूर से उसके फैन आए हैं उसे मिलने के लिए। ये छोटा सा बच्चा आया और दोस्तों फर्स्ट टाइम माशाल्लाह हमारे पास छोटा सा एक नन्ना मुन्ना सा फैन आया और अपने साथ भाई एक गिफ्ट भी लेकर आया, बहुत ही प्यारा गिफ्ट लेकर आया जॉन भैया के लिए। इसके पार उन्होंने बांधे हुए हैं, ध्यान से वो खुल भी सकते हैं। तो जनाब उनके साथ साथ ये दो भी फैन आए हैं जॉन के। ये ज़रा शर्मीले हैं, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। क्यों भाई शर्मा क्यों रहे हो? जॉन के पास जाओ ना, जॉन के फैन हो, जॉन के पास जाओ, आ जाओ भैया आप भी। दोस्तों एक बंदा और आया है, वो कह रहे हैं जी हम कैमरे में नहीं आएंगे। ये भाई आ चुके हैं और जॉन भैया जो है ना ये हमारे बच्चों में जो है ना फेमस हो रहे हैं और हमें भाई कोई लिफ्ट भी नहीं करवा रहा। चाचा के साथ भाई किसी को कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। ये जॉन चोर डॉन ये जो है ना ये मशहूर हो रहा है। और वो चाचू तुम्हें कौन जानेगा जब ये दुनिया जॉन डॉन को जानती है? जॉन डॉन के होते चाची को कौन पहचानेगा? अरे भाई ये क्या कर रहे हो? दोस्तों ये जॉन भैया के काम चेक करें, आते ही अपने इसने जो है ना फैंस को भी ना अपने वाले काम सिखा दिए। किसी नहीं, नहीं भाई मैं खुद अपने से लेके जा रहा हूँ, वैसे ही देख रहा हूँ, मैं लेके नहीं जा रहा। और ना भाई आप इसे मैंने अभी देखा है, आप अंदर से लेकर इसे आए हो बाहर? हम वैसे ही लगे, मैं वैसे ही लगाऊं। जॉन भैया आपने बच्चों को बिना शैतान बना दिया अपनी तरह। जॉन डॉन को बदनाम करोगे? क्यों भाई जॉन डॉन को बदनाम करोगे? वो उसे बोलो आप पहले से ही बदनाम हो। दोस्तों ये पहले से ही बदनाम है और बच्चों पे इल्जाम लगा रहा है, उल्टा उन्हें उल्टी हरकतें सिखा रहा है। वो तुम्हारे होते हुए यहाँ से हमारा मुर्गा लेके जा रहा है। जॉन डॉन के होते हुए तुम यहाँ चोरी करोगे? जॉन डॉन के मर गया है। दोस्तों वो खुद ही बोल रहा है कि मैं आपका फैन हूँ तो आपको ही फॉलो करूंगा। भाई वो तुम्हारा फैन है, तुम्हें फॉलो करेगा, जो तुम हरकतें करोगे वो भी फिर वो ही करेगा। वो तुम्हें धक्का दे देगा और खून नहीं कुआं होता भाई। ये तुम मैं क्या बोलूं? मुझे कल भी तुम जो है ना लेग खाते हुए उसे पट बोल रहे थे, ठीक है? मजेदार था, आज फिर मन कर रहा। आज फिर कर रहा?
चलो आज वैसे एक खुशी की खबर है। क्या, क्या? खुशी की खबर ये है कि हमारे जो है ना मिनी जू के अंदर क्या आया भला? बोलो बोलो, मैं कब से तुम्हारी ये बात सुनने के लिए बेताब हो रहा हूँ। जी तो दोस्तों, हमारे मिनी जू के अंदर जो हमने बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं उनके माशाल्लाह काफी ज्यादा बच्चे आए हैं, तो वो आपको भी चल कर दिखाते हैं और साथ में जो है ना जोन भैया को भी दिखाते हैं। फिर हो सकता है भाई खुशी की खबर में कुछ खिलाए, कुछ मीठा हो जाओ। जी तो दोस्तों, मैं अपने मिनी जू आ चुका हूँ और यार जोन भैया जो है ना उससे रस्ते में फाइट हो गई है और वो नाराज़ हो चुका है, वो आया नहीं। और फाइट इस वजह से हुई है दोस्तों, जो हमें पिजन गिफ्ट में मिला था वो उसने जो है ना उससे गलती से उड़ गया। उसने बड़ी लापरवाही की, उसने जो है ना उसे ठीक से पकड़ा नहीं और उसके पंख जो थे ना वो खुल गए थे और वो जनाब उड़ गया। इस वजह से उसके साथ जो है ना मेरी फाइट हुई है और वो जनाब नाराज होकर चला गया। खैर उसे मना लेंगे, तो अभी आपको दिखाते हैं जी जो हमारे पास बेबी आए हैं। इसके भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है ना बच्चे आ चुके हैं भाई, और ये मैंने डोर ओपन किया है और ये माशाल्लाह से इसके ऊपर बैठे हुए हैं जो पीछे हैं वो सारे बेबी हैं। और कुछ जो है ना दोस्तों वो इनके घोंसलों के अंदर हैं, इनके बॉक्स के अंदर हैं। और यार गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो खैर आज फिर भी थोड़ा बहुत मौसम ठीक है लेकिन गर्मी तो है। और इन सभी बॉक्स के अंदर जो है ना दोस्तों अंडे बच्चे हर चीज़ मौजूद है। ये वाला जरा पंखा बंद कर देते हैं, इसका शोर आएगा। तो दोस्तों ये वाला आपको हमारा पता ही है स्पेयर का। और ये माशाल्लाह से हमारा कुकी सामने बैठा हुआ है और कुकी का जो है ना दोस्तों एक छोटा जो है ना इनके बॉक्स के अंदर छोटा सा एक बेबी भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी माशाल्लाह आईज भी ओपन हो चुकी हैं जी इसके अंदर, और उसे पकड़ कर मैं बाहर लेकर आता हूँ। ये चेक करें, ये माशाल्लाह से देखें ये छोटा चुन्नू मुन्नू सा बेबी है। वैसे ये बड़ा ही प्यारा है और माशाल्लाह से इसकी आईज़ भी जो है ना वो भी ओपन हो गई हैं। ये आप चेक करें, रेड आईज़ में है और बहुत ही प्यारा लगता है। और अभी जो है ना बिल्कुल ही चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारा एक कॉकटेल का पेड़ नीचे था और इसके माशाल्लाह तीन बच्चे हैं। और ये बच्चों ने ना एक काम बड़ा ख़राब किया, ये देखें ये तीनों यहाँ पर चुके हैं। एक जो है ना ये चेक करें, दो बाहर आ गए हैं छोटे बेबी। ये देखें ये देखें ये देखें, ये बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने एक काम ख़राब किया है, इनके बॉक्स के अंदर ना तीन बच्चे थे और इनके अंदर घुसने की वजह से जो है ना वो तीनों जो है ना दोस्तों वो मर गए इनके नीचे दब कर। तो यार उनका मुझे बड़ा दुख हुआ है। तो अब जो है ना ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, देखें इन्होंने उड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इन्हें जो है ना हम एक अलग केज देते हैं, ये वाले केज को जो है ना जोन भैया को कल पकड़ के इसे अच्छे से साफ करते हैं। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह कल जो है ना ये सारे बेबीज के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो अभी मैं जल्दी से इन्हें पकड़ लेता हूँ, पकड़ कर इनके केज में डालता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ। छोड़ना पड़ता है क्योंकि अभी बच्चे हैं तो काफ़ी नाजुक हैं अभी। तो ये जनाब चलो भाई अंदर। दोस्तों इनका मैंने आपको बताया एक बच्चा जो है ना इनके नीचे दबकर मर, एक नहीं बल्कि तीन बच्चे जो है ना इनके नीचे दबकर मर चुके हैं। अब ये छह बच्चे होने थे, सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ ऐसा कि मुझे जल्दी से जो था ना इस केज के अंदर इन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि चकोर जो है उन्हें भी दो दिन हो गए मैंने अलग कर दिया हुआ है, तो फौरन इन्हें भी करना चाहिए था। थोड़ी सी देर की वजह से तीन बच्चे जान से गए, सिर्फ इनके अंदर जाने की वजह से वो इनके नीचे दब जाते थे। और अब जो है ना इनके पेरेंट्स वो अंदर जा चुके हैं और अब ये इंशाल्लाह दोबारा से अंडे देंगे और फिर जो है ना माशाल्लाह इनके बॉक्स में दोबारा से बच्चे आ गए। और दोस्तों उसके बाद ये वाले बेबी भी अलग होने वाले हैं, ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, चेक करें ये वाले भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, चार बच्चे हैं इनके। और इन्हें भी जो है ना अलग करने का टाइम आ गया, इन्हें भी कॉकटेल के बेबी के साथ ही रखेंगे। और इसके अलावा चेक करते हैं इन्होंने कोई अंडा शंडा भी दिया है या नहीं। नहीं दोस्तों ये फीमेल अंदर ही है लेकिन अंडा नहीं है इनका। ये हमारी फिंसिस माशाल्लाह एक पेड़ थे, इसके अंदर इसके चार बेबी पहले से ही मौजूद हैं। और अब इनका मटका बाहर निकालते हैं और वो भी आपको चेक करवाते हैं इसके अंदर क्या है। और माशाल्लाह अब हवा बड़ी प्यारी चलने लग गई है भाई, और बड़ा सुकून मिल रहा है, पसीना आया हुआ है और साथ में ठंडी हवा आ रही है और बड़ा सुकून मिलता है। और दोस्तों ये चेक करें, ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर दोस्तों इनके बच्चे हैं जी। कितने बच्चे हैं समझ नहीं आ रहा कुछ,
बाकी के 200 एक दो तीन चार पाँच छः बच्चे हैं 200 इसके अंदर माशाल्लाह। जी तो दोस्तों इस वक्त मैं अपने बर्ड्स रूम में आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारी ज़्यादातर फिंचीज़ ही मौजूद हैं। और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, बड़ा डोर ओपन करता हूँ ताकि आसानी से आपको भी दिखा सकूँ। और ये चेक करें माशाल्लाह, इसके नीचे जो है ना दोस्तों एक बहुत ही प्यारा जो है ना वो एक बच्चा है। और ये देखेंगे डरता नहीं है मुझसे। और ये है जी वो प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा बेबी है, छोटा सा। और दोस्तों इन्होंने इस दफ़ा जो है ना एक ही अंडा दिया था और उसमें से इन्होंने बच्चा भी निकाल दिया। मैं ज़रा ये केज बंद कर लूँ। और दोस्तों इसके इस बच्चे के अलावा इनके माशाल्लाह से ये इतने ज़्यादा इनके बच्चे हैं जो हमने अलग कर दिए हैं। ये सारे ही न्यू बेबी हैं जो अब बहुत ही जल्द जो है ना दोस्तों वो ब्रीड के लिए भी तैयार हो जाएंगे। फिर इनके भी अंडे आएंगे, बच्चे आएंगे, वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। और दोस्तों ये है जी हमारा बजीज का पेयर। और ये चेक करें माशाल्लाह से, इसके पहले तीन बच्चे बड़े हो चुके हैं। और दोस्तों अब मैं आपको केज के अंदर लेके जाता हूँ। माशाल्लाह दो बच्चे जो हैं दोस्तों इनके ये केज के मटके के अंदर भी हैं जो माशाल्लाह काफ़ी प्यारे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो है ना ये मेरी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और मेरी मोस्ट फेवरेट हमारी ये गोल्डन फिंचीज़ हैं। और ये सारे मेरे पास बेबी थे, ये मैंने बेबी परचेज़ किए थे और अब जो है ना ये माशाल्लाह ब्रीड के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट मंथ से जो है ना दोस्तों इनको इनकी पेयरिंग कर देंगे और इनके जो है ना बॉक्सेस वगैरह लगा देंगे। और फिर जो है ना ये भी इनकी तरह, ये एक पेयर ऊपर है, ये मेल बाहर बैठा हुआ है, फीमेल अंदर है, तो ये भी इनकी तरह जो है ना वो ब्रीड करने लग जाएंगे। और ये फीमेल बाहर आ चुकी है। और अब जो है ना दोस्तों जल्दी से इनका मैं आपको बॉक्स चेक करवाता हूँ। इसके अंदर माशाल्लाह से तीन बेबी हैं जो मैंने, ये देखें, ये माशाल्लाह से इनके तीन बच्चे हैं दोस्तों। और माशाल्लाह फुली लोडेड हुए हैं इनके जो है ना क्रॉप भरे हुए हैं फुल। ये चेक करें ज़रा माशाल्लाह से, ये बहुत ही प्यारे हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो हैं इनके बड़े बच्चे भी हो चुके हैं कुछ। ये भी गोल्डन के बच्चे हैं जो हमने अपनी बंगलाइज के नीचे रखे हुए थे। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, ये चेक करें। ये सामने जाली की वजह से ज़रा फोकस आउट हो जाता है। ये दोनों माशाल्लाह बच्चे हैं इनके। और इसके अलावा जो है ना दोस्तों वो नीचे भी जो है ना यहाँ पर भी दो बेबी हैं इनके और ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये चेक करें, इनके कलर भी आने लग गए हैं दोस्तों। कल जो है ना जॉन को साथ लेकर आऊँगा और इन सबको जो है ना अलग केज के अंदर सारे बच्चे जो है ना उन्हें, ये फिंचिस के जो बच्चे हैं इनके लिए ये मैंने केज रखा हुआ है, इसके अंदर उन्हें अलग कर देंगे ताकि भाई जो बड़े वाले पेयर हैं वो दोबारा से अंडे बच्चे दे सकें, उन्हें भी अलग कर देंगे। और अपने पेरेंट्स को भी मास्टर केज के अंदर से वो भी सारे अलग कर देंगे और फिर जो है ना दोबारा से उनके अंडे बच्चे आएँगे। और दोस्तों इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और इधर कूलर भी चला हुआ है, लेकिन मैं बाहर जो है ना जो थोड़ी सी कसरत करके आया उसकी वजह से मुझे पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अंदर जो है ना टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल चाचा पीजा टच को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा।